वहीं बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में अब खासी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन इस कमी को लाने में बिहार के स्वास्थ्य केंद्रों या स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई योगदान नहीं, यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के संसदीय क्षेत्र बक्सर के रोहतास जिले के सूर्यपुरा प्रखंड के कोसांदा गांव में मौजूद अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कह रहा है, जो कि पिछले 35 सालों से बंद पड़ा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यह कोसांदा गांव का अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आज से 3.5 दशक पूर्व जब इस भवन का निर्माण हुआ था तो लोगों को आस जगी थी कि अब उनके गांव में ही उनका इलाज होगा, लेकिन लोगों की आंखें अब पथरा गई हैं और आज तक इस भवन में कोई डॉक्टर बैठने तक नहीं आया। आलम यह है कि अब इस भवन का उपयोग ग्रामीण मवेशियों के लिए किया जाता है। उससे भी बड़ी बात यह है कि यह जिला केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के संसदीय क्षेत्र बक्सर के अधीन आता है। गांव के लोगों की माने तो उन्हें इलाज के लिए विक्रमगंज नहीं तो भोजपुर के आरा जाना पड़ता है, क्योंकि गांव में कोई भी इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में भी यहां इलाज की कोई मुकम्मल व्यवस्था न थी। ऐसे में जो भी लोग बीमार हुए या होते हैं वह विक्रमगंज, सासाराम और आरा जाकर अपना इलाज करवाते हैं। 86 में बना था, हम लोग बहुत बच्चे थे, उससे पहले ही बन गया था। जब से हम लोग इसको देख रहे हैं इसी स्थिति में देख रहे हैं, नहीं इसका पाला लगा हुआ है, नहीं जंगला केवाड़ी कुछ नहीं लगा हुआ है। जिस स्थिति में अभी दिखाई दे रहा है उससे पहले अच्छा था, लेकिन इधर 10 बरिस से मतलब कोई भूसा रख देता है, कोई भेड़ रख उसी में बांध देता है, इसलिए और ज़्यादा जर्जर स्थिति में पड़ गया है इस स्वास्थ्य केंद्र का। हम लोग बहुत दिक्कत में रहते हैं, गांव के लोग सभी लोग गाड़ी करके, यहां विक्रमगंज पड़ता है 12 किलोमीटर, वहां जाते हैं तो गाड़ी का भी भाड़ा देना पड़ता है, दवा भी कराना पड़ता है, और स्थिति देख ही रहे हैं कोरोना काल में अगर ये ठीक रहता तो बहुत हम लोग के लिए। फिर भी इस क्षेत्र के अस्पताल की यह दुर्दशा है। ये बात आई है नो डाउट कि वो जो भवन बना है उसको हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंडओवर नहीं हुआ है, जिसके कारण उसमें कार्य नहीं किया जा सक रहा है। साथ ही यह भी पता लगा है कि वो भवन की स्थिति जो है जर्जर हो चुकी है, और कल हमारे VC के द्वारा, हमारे सचिव महोदय, प्रधान सचिव महोदय जो हैं उनके द्वारा कहा गया है कि अब हमारे जितने HSC हेल्थ सब सेंटर हैं एंड APSC है, जिसमें बिल्डिंग की कमी है और जिसमें ज़मीन है, उसको फिर से हम लोग बनवा के और उसको अपडेट कर देंगे। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री के इलाके में स्वास्थ्य की यह दुर्दशा हो सकती है तो अन्य जगहों की क्या हालत होगी। लाइव 7 के लिए शक्ति सिंह की रिपोर्ट।